हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाइना के चैंग फोर मिशन के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन है। इस मिशन के अंडर चाइना एक रोवर भेजेगा मून की सतह पर, और वो रोवर अपने साथ कीड़ों के अंडे भी लेके जाएगा और भी बहुत सी चीज़ें लेके जाएगा, और मून पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स होंगे। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं सब एग्जाम्स की विद आर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं studyiq.com पे, या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। फेसबुक पर मेरी आईडी है prashant.dhawan.79, इसे आप गूगल या फेसबुक पे सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई मेक। और साथ में आपको PDF भी यहाँ पर मिल जाएगी। UPSC पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में काफ़ी बार स्पेस रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे सवाल आ सकते हैं। तो 2019 में सरप्राइज मत होइएगा अगर इस टॉपिक से एक प्रश्न आ जाता है। मेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस पेपर 3 के अंडर जहाँ पे लिखा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आपको स्पेस के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए कि स्पेस में कौन क्या कर रहा है। इंडिया, US, रशिया, कोई अगर स्पेशल मिशन होता है तो उसके बारे में डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट। तो सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं कि चैंग मिशन है किस बारे में, ये करेगा क्या। चैंग फोर एक चाइनीज लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। जब हम लूनर कहते हैं मतलब कि हम यहाँ पे मून की बात कर रहे हैं, तो इसका मेन एम है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग करे ऑन द फार साइड ऑफ द मून। सॉफ्ट लैंडिंग किसकी करे, एक रोवर की। कम भाषा में ये समझ लो एक चार पहियों वाला एक रोबोटिक सा एक व्हीकल होगा जो चंद्रमा की सतह पर चलेगा और ये मून की फार साइड पर लैंड करेगा। ये क्या होती है अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब इस मिशन में दो सैटेलाइट्स भी होंगी और चाइना का एक रोवर होगा, और ये सैटेलाइट्स और रोवर को चाइना ने लॉन्च किया है चाइना के लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रॉकेट है ये। आप अगर इसरो का GSLV MK3 बाहुबली, जिसको हम कहते हैं मीडिया में, उससे अगर आप कंपेयर करें, अच्छा मैं ये भी कह रहा हूँ बाहुबली कभी एग्जाम में लिख मत देना, ये बस हम मीडिया में यूज़ करते हैं, ऑफिशियली दिस लैंग्वेज इज़ नॉट अलाउड। ये बस थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको याद आराम से हो जाए। तो GSLV MK3 जो है उसकी लो अर्थ ऑर्बिट में पेलोड ले जाने की जो कैपेसिटी है वो है मैक्सिमम 8000 किलो, वेरस जो लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट है इसकी कैपेसिटी है 11500 किलो। अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो ये GSLV बाहुबली से थोड़ा बहुत स्ट्रांग है। अब यहाँ पे डार्क साइड ऑफ द मून का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा समझ लेते हैं। एज यू कैन सी ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सामने, थोड़ा जूम इन करते हैं। एज यू कैन सी ये है धरती, और धरती के आसपास रिवॉल्व कर रहा है मून, चंद्रमा, जो आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब आपने नोटिस किया होगा कि चंद्रमा की जो एक इमेज है आपके माइंड में हमेशा एक ही होगी। आपको चंद्रमा की जो दूसरी साइड है पीछे की साइड वो कभी नहीं दिखती। हाँ, उसकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है, कभी क्रेसेंट बनता है, कभी हाफ मून होता है, कभी फुल मून होता है, मगर ऑल टुगेदर जो उसका फेस होता है चंद्रमा का वो हमेशा आपको एक जैसा ही दिखता होगा। थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो इमेज है मून की हमेशा आपको ये दिखती होगी। अब चेंजेस आते हैं जब मून खुद भी ऑफ कोर्स रोटेट करता है, और जो लाइट है जब यहाँ पे एक साइड नहीं पहुँच पाती तो एक साइड जो है उसकी थोड़ी बहुत डार्क होती है, मगर जो इसका पीछे का रीजन है वो हमको कभी दिखता नहीं है। आप अगर यहाँ पे देखें, ये मैं अर्थ का व्यू दिखा रहा हूँ आपको, जो अर्थ दिखती है, जो हम लोग देखते हैं, मून को हमेशा मून ऐसा ही दिखता है। जो मून का पीछे का पार्ट है ये हमको दिखता नहीं है, इसे हम कहते हैं द डार्क साइड ऑफ द मून। हालाँकि ये ऐसा नहीं है कि हमेशा यहाँ पे अंधकार छाया होता है। जब मून ओवरऑल रोटेट करता है तो हम उसको बेसिकली देख नहीं पाते उसके पीछे के पार्ट को, क्योंकि मून और अर्थ का जो सिस्टम है इट इज़ कम्प्लीटली लॉक्ड। तो जब वो घूमता है हमारे यहाँ जो पीछे का पार्ट है वो दिखता नहीं है, मगर यहाँ पर भी रोशनी आती है। अब जरे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम मून को रोटेट होता हुआ देखें, सो एज यू कैन सी यहाँ पे मून की जो शेप है ये धीरे धीरे चेंज होगी। इट विल स्लोली बिकम क्रेसेंट, हाफ मून होगा, फिर ऑल टुगेदर डार्क हो जाएगा। और यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये है द डार्क साइड ऑफ द मून, जो पार्ट मून का हमको नहीं दिखता। जब मैं चंद्रमा कहता हूँ तो आपके माइंड में ऐसी इमेज तो नहीं आती होगी, आपके माइंड में थोड़ी सी जो वहाँ पे क्रेटर हैं बहुत बड़े बड़े, थोड़े से वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्पॉट्स हैं वो आपको दिखते हैं कुछ हद तक। ये वाला जो पार्ट है मून का ये हमको ज़्यादा माइंड में आता है।
तो जो चाइना का प्रोब होगा, जो चाइना का मिशन होगा, वो मून के पीछे की साइड, ये वाली जो साइड है, इसको एक्सप्लोर करेगा। इससे पहले किसी भी रोवर ने इस साइड को स्टडी नहीं किया है, ये अभी भी मिस्ट्री है हम लोगों के लिए कि यहाँ पर क्या है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि मून की एक साइड पे इतना डैमेज क्यों है, ये इतने यहाँ पे क्रेटर क्यों बने हुए हैं, और जो दूसरी साइड है उसकी वो इतनी स्मूथ क्यों है, वहाँ पर जो क्रेटर है वो इतने ज़्यादा क्यों नहीं है। इस पर बहुत सी थ्योरीज हैं, वो अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है। अभी के लिए बस ये जान लो कि जो डार्क साइड ऑफ द मून है उसको चाइना अपने प्रोब के जरिए स्टडी करेगा। तो ये तो मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से दिखाया है कि कौन सी साइड मून की कॉन्स्टेंटली हमको दिखती है और किस तरीके से मून की एक सर्टन इमेज हमारे माइंड में बिल्कुल प्रिंट हो चुकी है। अगर आपको वैसे एकेडमिक लैंग्वेज में लिखना है कि क्यों सिर्फ मून की एक ही साइड हमको दिखती है, पीछे की साइड क्यों नहीं दिखती, तो आप ये इसको ऐसे कह सकते हैं, द मून इज टाइडली लॉक्ड टू अर्थ रोटेटिंग एट द सेम रेट दैट इट ऑर्बिट्स आर प्लैनेट, सो द फार साइड इज नेवर विजिबल फ्रॉम अर्थ। धरती पे खड़े होकर आप अगर देखोगे तो जो फार साइड है, पीछे की साइड जहां पे इतने दाग धब्बे नहीं थे, वो हमको कभी भी दिखती नहीं है, ठीक है। तो द प्रोब चैंग 4 इज एक्सपेक्टेड टू मेक फर्स्ट एवर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द फार साइड ऑफ द मून, या फिर जो डार्क साइड ऑफ द मून जिसको हम कहते हैं। अब डार्क साइड ऑफ द मून अपने आप में काफी बड़ा है, तो चैंग 4 का जो प्राइमरी फोकस होगा एक सर्टन एरिया में होगा जो साउथ पोल के भी थोड़ा बहुत करीब है, तो इसे हम कहते हैं साउथ पोल एथकेन बेसिन। ये मैं आपको दिखा देता हूँ जरा, ये देखो, ये है नियर साइड जो हमको दिखती है मून की साइड, ये वाली, ये चंद्रमा की एक प्रॉपर इमेज किताबों में, इंटरनेट पे, विकिपीडिया, हर जगह आपको ये इमेज दिखती होगी। ये इसका पीछे का पार्ट है जो हमको नहीं दिखता, द फार साइड या डार्क साइड ऑफ द मून। तो इसका जो नीचे का ये वाला रीजन है ना, यहाँ पर, यहाँ पे चाइना का रोवर उतरेगा और इस चीज़ को स्टडी करेगा। इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि यहाँ पर इतना डैमेज क्यों नहीं हो रखा है, ये स्पॉट इतना डार्क क्यों है, ये इतना कह सकते हैं ब्राइट क्यों है, क्रेटर भी यहाँ पर रिलेटिवली कम है। तो काफ़ी हम चीज़ें यहाँ पर समझेंगे कि इस सब के पीछे रीज़न क्या है। तो चैंग 4 का जो रोवर है मून की सतह पर काफ़ी स्टडीज़ करेगा, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है लूनर रॉक्स की वो स्टडी करेगा, और जो स्टडी ऑफ कॉस्मिक रेज है मून पर वो भी करेगा। ये सब अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। मेन बात आपको याद रखनी है कि ये पूरा जो मिशन है इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पहली बार मून पर सिल्क वर्म लिए जाएगा चाइना। एक्चुअली कोई भी कंट्री इससे पहले सिल्क वर्म या किसी भी टाइप के वर्म्स मून पर नहीं लेके गया है, पहली बार एक कंट्री मून पर वर्म एग्स लेके जाएगा। तो चाइना बेसिकली क्या करेगा, अपने रोवर में एक बहुत ही छोटे से ग्लास शेप्ड बॉक्स में कुछ सिल्क वर्म के एग्स, कुछ आलू के सीड्स और कुछ पत्ते लेके जाएगा। उसमें होगा क्या कि इनको उम्मीद है कि जो सिल्क वर्म के अंडे हैं ये अंडे मून पर हैच होंगे, तो ये जो अंडे होते हैं सिल्क वर्म के, इसमें से जब कीड़े निकलेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, और साथ में जो जर्मिनेटेड प्लांट्स होंगे वो भी ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो इसके ज़रिए एक यहाँ पे सिनर्जी बन सकती है और हम देख सकते हैं कि क्या मून में भी हम लाइफ को किसी तरीके से डेवलप कर सकते हैं या नहीं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि चाइना ने इस पूरे मिशन में सिल्क वर्म एग्स भी भेजे हैं। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि ठीक है, चाइना अगर रोवर उतारेगा तो इंडिया भी उतारेगा। चंद्रयान 2 मिशन के बारे में आपको पता ही होगा, उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2019 में चंद्रयान 2 भी सक्सेसफुली अपना रोवर चंद्रमा की सतह पर उतार देगा। मगर चैंग 4 और चंद्रयान 2 में काफ़ी डिफरेंस है। चैंग 4 ज़्यादा सुपीरियर है, टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस्ड है और ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। अगर हम रोवर की बात करें तो जो चाइना का चैंग 4 है रोवर, ये 3 महीने तक चंद्रमा की सतह पर चलता रहेगा, वेर एज जो इंडिया का रोवर होगा ये सिर्फ 15 दिन तक चलेगा। उम्मीद तो यह है कि 15 दिन तक चलेगा, ये शायद 1-2 दिन एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मगर ऑल टुगेदर चाइना का रोवर बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है और मोर ओवर यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे, और जैसे मैंने आपको बताया ये इंसेक्ट एग्स भी अपने साथ में लेके जाएगा। नाउ मिशन के बारे में अगर हम बात करें, चाइना का जो चैंग 4 रोवर है ये ऑल टुगेदर चाइना का सेकेंड रोवर है चंद्रमा की सतह पर, और अगर हम लूनर मिशन की बात करें तो ये मून पर चाइना का 4th मिशन है। इससे पहले चाइना ने सबसे पहले एक मिशन लॉन्च किया था 2007 में चैंग 1 के नाम से, ये एक सिंपल लूनर ऑर्बिटर था जैसे चंद्रयान 1 था, और उसके बाद इन्होंने 2010 में लॉन्च किया चैंग 2 और चैंग 3,
इनका पहला लूनर रोवर था जो हम चंद्रयान 2 में करेंगे, चाइना ने चैंग 3 में कर दिया था। उम्मीद यह है कि इसके बाद जो चंद्रयान 3 होगा, उम्मीद यह है कि इसके बाद जो इंडिया का चंद्रयान 3 होगा, अगर होगा तो वो चैंग 4 की तरह ज़रा डेवलप्ड होगा या परहैप्स कुछ हद तक उससे भी ज़रा एडवांस होगा। तो ये था एनालिसिस चाइना के चैंग 4 मिशन का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको कवर करनी थी हमने कवर कर ली है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।